गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर B402 विद्यालय पाठ्यक्रम विकास स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर, जो इनमें डिफरेंसेस है उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे करिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस करिकुलम, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सिलेबस एंड करिकुलम, इन दोनों में जो भी डिफरेंसेस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर। विद्यालय या शैक्षिक संस्थानों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्राप्त करना होता है। इस कार्य को पूरा करने के जो भी कार्य संपादित किया जाता है, यह सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। छात्र छात्राओं को केवल पुस्तकों के माध्यम से ही पाठ्यक्रिया का संपादन कराना पाठ्यक्रम नहीं है, अपितु बालक का पाठ्य विषयों के साथ साथ ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, सौंदर्य बोध, सृजनात्मकता एवं अन्य सभी मानवीय गुणों का समावेश उसके भीतर किया जा सके। विद्यालय के द्वारा सभी क्रियाओं के द्वारा छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करवाना ही पाठ्यक्रम है। ठीक है, आ गया। यानी कि जो भी एक्टिविटी हम करते हैं स्कूल्स में, उसके आउटडोर या इंडोर, वो सब हमारे क्या है, करिकुलम से हैं। अब देखते हैं डेफिनेशंस एंड मीनिंग। सबसे पहले देखिए पाठ्यक्रम, कि पाठ्यक्रम शब्द कहाँ से लिया गया है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें यह करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेर से लिया गया। क्यूरेर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ यह हुआ कि छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय के द्वारा किया गया समस्त कार्य पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशंस, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं। वाल्टर एस मुंड